दूसरा अध्याय 38 पृष्ठ 18वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब तक 17 श्लोक तक भगवान अर्जुन को संबोधन करते हुए हम सबको ज्ञान दे रहे हैं कि ये सारा समिष्टि जगत नाशवान है। समिष्टि ये समूह जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है सारा जगत नाशवान है। ऐसे ही जो प्रकृति के परिणाम है वह भी नाशवान है। प्राणियों के देह भी नाशवान है। जैसे विश्व रचना अनित्य है, विश्व रचना ये सारा संसार अस्थिर है, अनित्य है, उसी प्रकार व्यष्टि दे जो प्रतिक्षण सरकता चला जाता है, बालकाल यौवन बुढ़ापा प्रतिक्षण इसमें बदलाव आया करता है, शरीर में भी ये व्यष्टि दे भी अनित्य है, अर्थात ये अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है। स्थिर तो केवल आत्मा है। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले, अब ये आत्मा शरीर में रह रहा है। आगे चलकर परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने विद इन ब्रैकेट तीन अवस्थाएं जो आत्मा को तीन शरीर प्राप्त होते हैं इसका वर्णन किया हुआ है। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले सनातन सबसे पुरातन अप्रमित जिसको मापा नहीं जा सकता। अब आकाश को कौन माप पाएगा कितना लंबा चौड़ा है, जैसे आकाश को नहीं मापा जा सकता, ऐसे ही आत्मा अति सूक्ष्म भी है उतना ही ये विशाल है, अविनाशी, विनाश इसका हो नहीं सकता। आत्मा के ये व्यष्टि देह स्थूल सूक्ष्म और कारण है व्यष्टि देह। आत्मा को तीन शरीर प्राप्त होते हैं, एक तो ये स्थूल शरीर है ही, इसका कारण है, एक पूंजी राम नाम की पाइए पाथे साथ नाम ले जाइए, वह आत्मा को उस धाम तक पहुंचने के लिए जो सूक्ष्म शरीर मिलता है, क्योंकि जो कष्ट सहने होते हैं नरक लोक में भी वह भी शरीर सहन करता है, दुख तकलीफ सुख ये शरीर के साथ संबंधित हैं। वह सूक्ष्म शरीर मिलता है उस धाम तक पहुंचने तक, और फिर जब तक जन्म नहीं होता किस रूप में रहेगा वह शरीर, कर्म अनुसार अथवा प्रभु प्रेरणा से स्वर्ग लोक अथवा नरक लोक भोगने के लिए वह प्राप्त होता है। आत्मा के ऊपर यह बदलाव सदैव चलता रहता है जब तक आत्मा उस ब्रह्म में लीन ना हो जाए। शरीर वहां पर भी होगा परंतु तब वह देव रूप उसी रूप में ढल करके आत्मा रहा करता है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। इसको बहुत गहराई तक जानने में ये अवस्थाएं आत्मा के ऊपर समय समय पर बदलती रहती हैं। तब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तू सामने खड़े भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनके शरीर की चिंता तू क्यों करता है? ये तेरे से अधिक ज्ञानवंत है, इनको पता है कि
कि ये बदलाव प्रतिक्षण, ये समिष्टि जगत, ये समूह, ये सब नश्वर है, प्रतिक्षण बदलता चला जाता है, ये बदलाव है शरीर का। तो इसके लिए ज्ञानवंत होकर अधिक क्या रोना। ये तेरे बचाने पर भी नहीं बचेंगे, क्या तू इनको नहीं मारेगा नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। फिर क्या तू मारने वाला है, तेरे में इतनी शक्ति है कि तू किसी को मार दे और किसी को पैदा कर दे, ये मेरे हाथ में है, भगवान ने कहा। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले, अब आत्मा कौन कौन है, शरीर में रहने वाला देहवान आत्मा, तू इस देह की चिंता करता है, तू आत्मा की चिंता कर, अपना कर्म ना बिगाड़। देह तो दूसरी मिल ही जानी है, अच्छा अथवा बुरा कर्म करने के पश्चात भी कर्मानुसार अथवा प्रभु प्रेरणा से देह तो मिल ही जानी है। उसी देह को जो भी प्राप्त होगी कर्म अनुसार तो स्वर्ग लोक में चला जाएगा, वह देह योग्य देह तेरे को प्राप्त हो जाएगी, बुरे कर्म अनुचित तो जो नरक लोक में देह का वास होता है उसमें प्रवेश कर जाएगी आत्मा अपने कर्म भोगने के लिए। इस लोक में भी तो अपने संबंध कर्म भोगने के लिए आया है। ये तीन अवस्थाएं आत्मा के ऊपर, ये तीन शरीर। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले सनातन अपरमित अविनाशी आत्मा के ये स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर अंत वाले कहे गए हैं, ये अंत वाले हैं, ये नित नहीं है। आत्मा अपरमित है, अविनाशी है, ये कोई भी शरीर अविनाशी नहीं है। ये विष्टि देह हैं, प्रतिक्षण बदलने वाले हैं, कोई कितना भी बचा ले इसमें परिवर्तन नहीं रोक पाता। इस कारण तू युद्ध कर, तू क्यों चिंता करता है, तेरे सम्मुख कौन, किनके ऊपर तू वान चला रहा है, उनको दे, एक छोड़ जाएंगे दूसरी मिल जाएगी, उस दे के लिए तू चिंता करता है। तू अपने कर्म के लिए चिंता कर, पे तू क्या कर रहा है, उनकी चिंता करना तुझे उचित नहीं है। यह जन्म और मृत्यु यह भी तेरे वश की बात नहीं है, जो तेरे वश की बात है तो उसकी चिंता कर, तेरे वश में बात तेरा कर्म है, वह ना बिगड़े। इस कारण तू युद्ध कर। आत्मा नित है, अविनाशी है, वह कारण कार्य भाव से रहित है। ये तीनों शरीर कार्य कारण होगा कोई मिलने का, ये कारण शरीर जो है जिसमें हम प्रवेश किए हुए हैं, हमारी आत्मा है, यह भी कर्म अनुसार मिली है, परंतु आत्मा वह कारण कार्य भाव से रहित है, वह बनी हुई वस्तु नहीं है, वह सनातन अमर सत्ता है। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन जिसका अंत ही नहीं है, अपने सत स्वरूप, 12 आत्मिक भावनाएं उसका पाठ करके
मानव इसको शीघ्रतर समझ जाएगा कि आत्मा के स्वरूप अब कैसे होंगे। जो भीतर ज्ञान है, जानने वाला वह आत्मा है। जो प्रकाश है, प्रकाश रूप वह आत्मा है। वह गुण जो परमेश्वर के हैं वही आत्मा के हैं, जो बाहर वही भीतर। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत्य स्वरूप, अपने चेतन स्वभाव, अपनी अगम्य गति और अतुल शक्ति के कारण अपरिमित है, माप रहित है। केवल उसके देह ही नाशवान है। तीन देह हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। ये जो आत्मा को प्राप्त होते हैं, इसके तीनों प्रकार के देह एक रस अमृत नहीं रहते, ये बदल जाते हैं। तू केवल एक देह की चिंता कर रहा है, ये तो बदल जाएगा। कुर्ता फट गया, दूसरा मिल जाएगा, किस बात की चिंता करता है। इसलिए तू अपने आप के नाश का तथा किसी भी आत्मा के विनाश का